हाय फ्रेंड्स, कैसे हूँ? कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे अपने अपने घर में। आज मैंने फिर से गुजराती स्टाइल में अपनी साड़ी लेकर आई हूँ और इसको मैंने एक छोटी छोटी ना टिप्स के साथ इसको मैंने ड्रैप कराया, तो मैं आज वही आपको बताना चाहूँगी। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी कमर फिटिंग लगाई है और कमर फिटिंग को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से, नीट एंड क्लीन तरीके से इसको ड्रैप किया है। देखिए, आपको कहीं से भी इसका मोटापन नहीं दिखाई देगा। फिर मैं अपने पल्लू वाले पोर्शन पर जाती हूँ और पल्लू वाले पोर्शन को लेकर अपना एक राउंड लेते हुए और पल्लू को लेफ्ट हैंड से मैं अपनी ना प्लेट्स बनाना स्टार्ट करूँगी। देखिए, इस तरीके से मैंने प्लेट्स बनाई। प्लेट्सों को सेट करूँगी अब मैं और प्लेट्सों को छोटे छोटे जितना बॉर्डर है ना उसी के अकॉर्डिंग मैंने ना ये प्लेट्स बनाई है। और देखिए, इस तरीके से मैंने क्या करा, जब फ्रंट पर सबसे पहले एक पिन लगा ली ताकि ये ना ख़राब ना हो और मैशी ना हो जाए इस वजह से। फिर मैंने क्या करा, उसको पकड़ के नेक्स्ट प्लेट बनाना स्टार्ट करी, उनको भी प्लेट बना के मैंने पिन से टक कर दिया। फिर जहाँ पिन लगाई है उसको पकड़ कर फिर थोड़ा सा और पीछे से मैंने कुछ प्लेट्सों को सेट करते हुए और इसको भी पिन से टक कर दूँगी। ऐसा मैंने इस वजह से करा है ताकि जो पीछे, कई बार मैंने ना गुजराती स्टाइल ड्रैप कराया तो जो पीछे का पोर्शन है ना वो पल्लू ना पल्लू की जो प्लेट्स हैं वो बैक साइड के पल्लू की जो प्लेट्स हैं ना वो ना बिखरी बिखरी सी दिखाई देती हैं। तो इससे क्या हो, इससे मैंने इस वजह से ट्राई करा ताकि ये पीछे से एक अच्छा सा प्यारा सा लुक निकल कर आए। देखिए, अब मैं आपको ना बैक साइड में दिखाऊंगी। देखिए, ये कितना प्रॉपर लुक आ रहा है। जो पिन मैंने लगाई है वो मैं निकाल दूंगी सारी, लेकिन उससे पहले मैं ड्रैप कर दूँ। देखिए, अब मैंने इतना करने के बाद अब मैं ना लोअर प्लेट्स बनाना स्टार्ट करूंगी और लोअर प्लेट्स को मैं वही राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साड़ी ड्रैप कर रही हूँ तो ना इसके जो लोअर प्लेट्स हैं ना उनको भी राइट हैंड साइड देखिए। और दूसरी टिप ये है कि पहले जो साड़ी को प्लेट्सों को टक करने से पहले जो भी आपकी साइड से साड़ी निकली है उसको नीट एंड क्लीन तरीके से उसको टक कर लीजिए। और देखिए, लेफ्ट हैंड साइड भी थोड़ी सी इसको उठा के करिए ताकि जो नीचे की प्लेट्स है ना एकदम परफेक्ट आए। और देखिए, इस तरीके से मैंने टक कर ली है। और देखिए, साइड से और अच्छी सी फिनिशिंग और अच्छे से प्यारा सा लुक देने के लिए मैंने इसको बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से टक कर लिया। अब देखिए, ये टक करने के बाद अब मैं पल्लू के पोर्शन पे आऊँगी। अब जो नीचे की जो फर्स्ट बार मैं जो पिन लगाई थी ना, अब मैं उनको निकाल कर और अपने ना कमर पर पिन से टक करूँगी। पहले मैं क्या करूँगी, अपने शोल्डर प्लेट्स हैं उनको पिन से सिक्योर कर दूँगी ताकि ये फिसल फिसल के ना जाए। देखिए, इस तरीके से मैंने शोल्डर पर मैंने क्या करा है, राइट हैंड साइड से अगर अंदर की साइड आप पिन लगाओगे तो वो नहीं लग सकती है, तो मैंने एक प्लेट्स को उठा कर फिर ऊपर की साइड ही पिन लगाई। अब देखिए, ये फ्रंट पर मैं ज़्यादा पीछे तक साड़ी ले जाके नहीं आऊँगी, सिर्फ थोड़ा सा फ्रंट से थोड़ा साइड लूँगी और देखिए वहीं पर मैं अपने पिन से टक कर दूँगी। देखिए, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरी नेक लाइन है ना वहाँ से ये थोड़ी प्लेट से को सेट करते हुए, और देखिए इस तरीके से मैंने सेट कर ली है और यहाँ मैं पिन से इसको अरेंज कर दूँगी ताकि ये बिखरी बिखरी ना जाए और नीचे की जो प्लेट्स हैं उनको अच्छे से मैनेज करते हुए। देखिए, और आपको कैसी लगी ये मेरी, देखिए बैक साइड है तो बैक साइड की जो पिन लगी हुई है ना अब मैं उसको निकाल दूँगी। इस तरीके से निकालने के बाद फिर आपका बल्कि लुक नहीं आएगा, बहुत ही प्यारा लुक निकल कर आएगा। देखिए, इस तरीके से अगर आप शादी पार्टी में आपका जो जूड़ा है, बालों का जूड़ा है ना वो बहुत ही फैंसी हुआ तो बहुत बैक साइड से बहुत प्यारा लुक निकल कर आएगा। कैसा लगा ये साड़ी? देखिए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें।